Morning student, myself sir on the standard fifth subject EVS 2. Student, last lesson में हमने पढ़ा था chapter number 9 settled life and urban civilization और उसमें हमने चार पांच पार्ट पांच पॉइंट्स पढ़े थे. फर्स्ट पॉइंट था यूज ऑफ मेटल, मेटल से कैसे यूज किया हुआ है. सेकंड, पॉट्स मेड ऑन द पॉटर्स व्हील, पॉट्स को कैसे व्हील पे बना हुआ है. ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, जो भी उन बनाते थे उन्होंने कैसे ट्रेड किया, ट्रांसपोर्ट किया. राइज ऑफ सिटीज एंड स्क्रिप्ट, जो भी स्क्रिप्ट उन्होंने लिपि लिखी हुए. सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड एंशियंट सिटीज, और एंशियंट सिटीज में उनके क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है, यह हमने पढ़ा था. तो टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 10 हिस्टोरिक पीरियड. और हिस्टोरिक पीरियड इन दिस लेसन वी विल लर्न फोर पॉइंट्स. सो लेट स्टार्ट. चैप्टर नंबर 10 हिस्टोरिक पीरियड. चैप्टर नंबर 10 में हिस्टोरिक पीरियड ये लेसन का नाम है. ये हिस्टोरिक पीरियड में आपको चार पॉइंट्स हमें लर्न करने. फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज कल्चर. सेकंड इज एंशियंट सिविलाइजेशन इन रिवर वैलीज. थर्ड इज एंशियंट रिवराइन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना, हरप्पा. फोर्थ पॉइंट है स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट. ये चार पॉइंट हमें ये लेसन में लर्न करना है. सो लेट्स स्टार्ट. वी हैव सीन इन लेसन 2 दैट रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट्स, बुक्स एक्सेट्रा फॉर द हिस्टोरिक पीरियड. हमने लास्ट टू लेसन में हमने पढ़े थे रिटन रिकॉर्ड, यानी कि लिखा हुआ एक ऐसा रिकॉर्ड मिला है. वो कहाँ पे? इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट्स, बुक, यानी कि कोई ग्रंथ में लिखा हुआ है. इंस्क्रिप्शन शिला लेखा है, उसको कहते हैं कि पत्रों पे लिखा हुआ है, किधर मिला हुआ है. ये रिटन रिकॉर्ड्स हिस्टोरिक पीरियड में ऐसे मिले हुए हैं. इन ऑल एंशियंट सिविलाइजेशन द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज डेवलप. हाँ, जो लिखा हुआ उनका जो हैंडराइटिंग है, वो आर्ट जो वैसे लिखते है वैसे उनका वो क्या हो गया, डेवलप होने लगा. उसकी जो आर्ट राइटिंग है, आर्ट ऑफ राइटिंग है, वो डेवलप होने लगी. दे यूज फुली डेवलप स्क्रिप्ट, और वो फुली डेवलप उनके एकदम अपने राइटिंग में वो एकदम डेवलप होने लगे. इन अदर वर्ड्स, विद द राइज ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन द न्यू स्टोन एज केम टू एन एंड एंड द हिस्टोरिक पीरियड बिगेन. जैसे एंशियंट सिविलाइजेशन जैसे बढ़ते गए, एंशियंट सिविलाइजेशन जैसे बढ़ते गए, वैसे न्यू स्टोन एज, तो न्यू स्टोन एज के काल क्या हो गया, वो कम होने लगा, वो खत्म होने लगा. जैसे एंशियंट सिविलाइजेशन बढ़ने लगे तब से. क्यों न्यू स्टोन एज की खत्म होने लगा? क्योंकि वहां पे रिटर्न रिकॉर्ड्स उनको मिलने लगे लिखे हुए. एंशियंट सिविलाइजेशन जैसे बढ़ने लगे वैसे न्यू स्टोन एज का जो है वो एंड होने लगा, और वहां से ही क्या स्टार्ट हुआ, हिस्टोरिक पीरियड. पॉइंट वन, व्हाट इज कल्चर. तो कल्चर यानी कि संस्कृति क्या है. तो देखो, ह्यूमंस एंड ऑल अदर एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन देयर एनवायरमेंट एंड नेचर फॉर सेटिस्फाइंग देयर नीड्स. देखो, ह्यूमंस यानी कि हम इंसान, और ऑन ऑल अदर एनिमल जैसे कि वाइल्ड एनिमल हो या डोमेस्टिक एनिमल, वो क्या है, डिपेंड रहते हैं एनवायरमेंट की तरह, नेचर की तरह. जैसे उनको जरूरत रहती है, ह्यूमंस और एनिमल्स को जैसे उनको नेचर से जरूरत रहती है, वो हिसाब से उनको उनकी जरूरतें रहती है. हाउएवर अदर एनिमल्स डू नॉट कॉज एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन देयर सराउंडिंग. और जो एनिमल्स है उनको, उनके पास कोई भी चेंज ऐसे हमें दिखता नहीं है सराउंडिंग में. अगर आपने किधर सुना है, किधर देखा है, शेर ने झाड़ तोड़ दिया, किसने सुना है ऐसा, खुद उसने कौन से एनिमल ने बिल्डिंग बांधी? नहीं.
तो ये सराउंडिंग में एनिमल्स की कोई भी चेंज नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो, बियर्स लिव्स इन केव्स एंड मंकी लिव्स ऑन ट्रीज. बियर्स यानी कि भालू असवल, वो केव्स केव्स के अंदर, केव्स यानी कि गुफा, वो गुफा के अंदर रहते, और मंकी कहां पे रहते, ट्रीज के ऊपर, झाड़ के ऊपर रहते. बट लेकिन ह्यूमंस बिल्ड हाउसेस, और हम इंसान घर बनाते हैं. ये क्या हो गया, नेचर में जैसी जरूरत है वैसे ही हमारी भी जरूरत बढ़ने बढ़ने लगी. इट मीन्स दैट वी ह्यूमंस चेंज देयर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर सराउंडिंग टू सम एक्सटेंट. जैसे नेचर से जितनी भी अवेलेबल है वैसे ह्यूमंस में भी चेंजेस आने लगे. देखा, ह्यूमंस ने अभी बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं. ह्यूमंस डू नॉट ईट देयर फूड इन इट्स नेचुरल फॉर्म एज अदर एनिमल डू. अगर आपकी मम्मी बाजार से सब्जी लेके आते, मतलब वो नेचर से सब्जी सब्जी लेके आते, तो आप वैसे ही खाते हो? नहीं. लेकिन एनिमल को आप दोगे वैसे सब्जी, वो खा सकता है. लेकिन ह्यूमंस यानी कि हम वैसे सब्जी खा सकते हैं बाजार से लेके आए हुए? नहीं. तो हम उसको क्या करेंगे, उसको जिसे पकाएंगे, दे रोस्ट और कुक द फूड. वो क्या करेंगे, अच्छे से पकाएंगे वो खाने को. और इन अदर वर्ड्स, दे प्रोसेस फूड स्टफ बिफोर ईटिंग देम. और कुछ अलग आपको करना है तो आप अलग उसको अलग से एक प्रोसेस भी करते हो, राइट? अगर प्रोसेस अभी अलग फूड स्टॉप प्रोसेस, क्या प्रोसेस करते हो? अगर एग्जांपल बता दो, अगर आपकी मम्मी ने घर पे, आप ज्यादा करके क्या खाते हो, वड़ा पाव खाते हो, तो वड़ा बनाने के लिए मम्मी प्रोसेस करती है ना, चने का आटा, फिर उसमें नमक, फिर उसके पानी, फिर उसको मिक्स करते हैं, फिर पटेटो, वो सब क्या होता है, वो प्रोसेस. ये सब हम इंसान लोग करते हैं, एनिमल करते हैं क्या? नहीं. दे प्रोसेस मेनी सब्सटेंस इन अ सिमिलर मैनर. और ये प्रोसेस अलग अलग के टाइप के भी होते हैं, बहुत टाइप के हम प्रोसेस करते हैं. दे वर्क ऑन स्टोन मेटल एक्सेट्रा टू मेक टूल्स एंड वेरियस ऑब्जेक्ट. हाँ, हम जैसे इंसान लोग पत्थरों से भी, अगर कोई पत्थर आड़ा टेढ़ा रहा तो हम उसको सीधा भी करते हैं, पत्थरों को भी से काम करते हैं, मेटल्स कुछ धातु रहता है उसके ऊपर भी काम करते हैं, और अलग अलग हथियार बनाते हैं, राइट? दे मेक पॉट्स ब्रिक्स एंड मेनी अदर थिंग्स फ्रॉम क्ले. यानी कि हम इंसान मिट्टी से बनाए हुए पॉट्स, मालूम है ना, मिट्टी से बनाए हुए पॉट्स ब्रिक्स यानी कि ईट, मिट्टी से हम लोग बनाते हैं, और अलग अलग चीजें भी मिट्टी से हम बनाते हैं. दे ऑब्टेन यार्न फ्रॉम कॉटन एंड वेव क्लोथ फ्रॉम द यार्न. यार्न यानी कि धागा और कॉटन यानी कि कापूस. हम कापूस से, धागे से हम क्या करते हैं, कपड़े भी बनाते हैं. दे ऑब्टेन यार्न फ्रॉम कॉटन, कॉटन यानी कि कापूस, कापूस से धागा बनाते हैं, धागा यार्न यानी कि धागा, और धागे से हम क्या करते हैं, कपड़े बनाते हैं, राइट? इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स दे चेंज द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल इन नेचर. जैसी नेचर में जो मटेरियल अवेलेबल है वैसे ही हमने हमारी जरूरतें करने लगी, जरूरतें शुरुआत करने लगी. टू देयर नीड्स दे नीड, अगर ये सब बनाने के लिए किसकी जरूरत है, स्किल. दे नीड स्किल टू दिस, हमें उतनी स्किल चाहिए.
कि इससे ये क्या बनता है। नेचर में जो चीज अवेलेबल है और वो चीज से हम उसको क्या यूज कर सकते हैं, उसके लिए स्किल की बहुत जरूरत है। दे नीड टू थिंक एंड प्लान बिफोर दे शेप एन ऑब्जेक्ट। हाँ, अगर मिट्टी से अगर आपको कुछ बर्तन बनाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, कुछ सोचना पड़ता है। दे नीड टू थिंक और प्लान, कुछ नियोजन करना पड़ता है, और फिर बिफोर दे शेप एन ऑब्जेक्ट। तो पहले हमने सोचना पड़ता है, फिर उसके ऊपर प्लान करना पड़ता है, फिर उसको एक शेप दे सकते हैं, राइट। देन दे हैव टू पुट इन एफर्ट्स टू एक्चुअली शेप इट। हाँ, तो हमें एफर्ट्स यानी कि मेहनत, उसके ऊपर कुछ मेहनत करनी पड़ती है, फिर हम उसके ऊपर शेप दे सके। द ट्रेडिशंस ऑफ थॉट, स्किल्स एंड एफर्ट्स गेव राइज टू वेरियस आर्ट। अगर हमने मिट्टी हमारे सामने लाके रखी और सिर्फ सोचा कि हमें ऐसा बर्तन बनाना है मिट्टी से, तो बन पाएगा क्या? नहीं, वो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें उसके ऊपर मेहनत करनी है तो ही हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल, आपकी एग्जाम है, आपने सिर्फ बुक खोल के रखा है तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, आपने सिर्फ बुक खोल के रखे और बुक सामने आपने रखा है, तो आपको पेपर लिखने आएगा? नहीं, आपको उसके ऊपर मेहनत करनी है, यानी कि आपको उसको पढ़ना है, लर्न करना है क्वेश्चन आंसर, तो ही आपको पेपर में लिखने आएगा, राइट। तो वैसे ही आपको कुछ भी करना हो तो आपको मेहनत करने की बहुत ही जरूरत है। मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है, स्टूडेंट्स ध्यान में रखना, मेहनत बहुत जरूरी है। तो वैसे ही दे नीड टू थिंक एंड प्लान बिफोर दे शेप एन ऑब्जेक्ट, दे हैव टू पुट इन एफर्ट्स टू एक्चुअली शेप इट, उसके ऊपर मेहनत बहुत जरूरी है। द ट्रेडिशन ऑफ थॉट स्किल्स एंड एफर्ट्स गिव राइज टू वेरियस आर्ट। हाँ, वैसे थॉट यानी कुछ विचार करना है, स्किल होनी जरूरी है, एंड एफर्ट यानी कि मेहनत, फिर ये इसके बाद ही वो एक अलग शेप आएगा, वेरियस आर्ट तैयार होते रहेगा। एवरी जनरेशन हैंडेड ओवर द नॉलेज ऑफ द आर्टिक स्किल एंड ट्रेडिशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसका मतलब कि अगर एग्जाम्पल लो, अगर आपके दादाजी सुतार काम करते हो या कोई भी काम करते हो, तो आपके दादाजी आपके पापा को वो सिखाएंगे, वो नॉलेज देंगे, फिर आपके पापा आपको नॉलेज देंगे, तो ये क्या होगा, जनरेशन टू जनरेशन, हर एक नॉलेज अपने जनरेशन टू जनरेशन ये नॉलेज क्या है, हैंड ओवर करते रहते हैं। जो भी स्किल है वो हम एक दूसरे को हैंड ओवर करते हैं अपने जनरेशन में। विद दिस एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज लैंग्वेज वॉज एनरिच, और यही विचार और आइडियाज हम क्या करें, एक्सचेंज करते हैं, उसकी वजह से हमारी लैंग्वेज भी एनरिच होने लगी, बढ़ने लगी। द नॉलेज ऑफ वेरियस आर्ट्स स्किल्स एंड ट्रेडिशंस इनहेरिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड द वे ऑफ लाइफ फाउंडेड ऑन दैट नॉलेज इज वॉट वी कॉल कल्चर। हमारी जो भी नॉलेज है, जो भी आर्ट स्किल ट्रेडिशंस, जो भी हमारी संस्कृति, जो भी नॉलेज है, हम जनरेशन टू जनरेशन, हमारे दादाजी हमारे पापा को देते थे, जो भी नॉलेज उनके पास रहता था, फिर हमारे पापा के पास जो भी नॉलेज रहता था वो हमको देते, और हम क्या करते, हमें हमारे पास जो भी नॉलेज था फिर हम अगले हमारे बच्चों को देते थे। ये क्या हो गया, जनरेशन टू जनरेशन, जो भी आपके पास नॉलेज है हम क्या करते थे, एक्सचेंज करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। इसी क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड अ कल्चर।
और एक कल्चर का, व्हाट इज अ कल्चर, एक कल्चर का डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है, द नॉलेज ऑफ वेरियस आर्ट स्किल्स एंड ट्रेडिशंस इनहेरिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड द वे ऑफ लाइफ फाउंडेड ऑन दैट नॉलेज इज व्हाट वी कॉल जनरेशन, विच कॉल कल्चर। ओके स्टूडेंट्स, क्या समझा अभी व्हाट इज कल्चर। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे एंशियंट सिविलाइजेशन रिवर वैली। 10.2 एंशियंट सिविलाइजेशन इन रिवर वैली। अभी एंशियंट सिविलाइजेशन और उसके रिवर अलग अलग कैसे, वो हम देखते हैं कौन से रिवर्स है। कल्चर विच फ्लरिश इन द न्यू स्टोन एज वेर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर वे ऑफ लाइफ। और न्यू स्टोन एज थे, न्यू स्टोन एज की लाइफ किसके ऊपर डिपेंड थी, एग्रीकल्चर। न्यू स्टोन एज ज्यादा करके क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे। उनकी लाइफ किससे बेस्ड होती थी, एग्रीकल्चर के ऊपर। फर्टाइल सॉइल एंड कॉन्स्टेंट वाटर सप्लाई आर एसेंशियल फॉर ग्रोइंग गुड क्रॉप। फर्टाइल सॉइल यानी कि सुपीक जमीन, यानी कि जो जमीन पे ज्यादा पीक आता है वो उसको कहते हैं फर्टाइल सॉइल। एंड कॉन्स्टेंट वाटर, वहां पे हमेशा पानी बहता रहे, कॉन्स्टेंट वाटर सप्लाई आर एसेंशियल फॉर, ये काहे के लिए यूज होता है उस, क्योंकि फॉर ग्रोइंग गुड क्रॉप्स, अच्छी खेती हो सके वहां पे, अच्छा क्रॉप्स आने लगे, इसकी ये फर्टाइल सॉइल और कॉन्स्टेंट वाटर की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि वहां पे अच्छा खत आने लगे, गुड क्रॉप्स आने लगे। नेचुरल पीपल इन द न्यू स्टोन एज एस्टैब्लिश देयर विलेज सेटलमेंट ऑन द बैंक्स ऑफ वेरियस रिवर। हाँ, तो न्यू स्टोन एज ज्यादा करके कहाँ उनको विलेज सेटलमेंट करते थे, जहां पे बैंक ऑफ रिवर्स यानी कि वहां पे उनका नदी के किनारे न्यू स्टोन एज अपना गांव सेटअप करते थे, क्योंकि वो वहां की जमीन अच्छे क्रॉप्स उगा सकती है और वहां पे पानी हमेशा बहता रहता है। इसी वजह से न्यू स्टोन एज नदी के किनारे अपना गांव सेटअप करते थे। द न्यू स्टोन एज कल्चर फ्लरिश्ड अलोंग द रिवर बैंक्स। देखा, द न्यू स्टोन एज की कल्चर ज्यादा करके वो कहां कर रहते थे, रिवर बैंक्स के इधर, यानी कि नदी किनारे रहते थे। कौन, न्यू स्टोन एज के लोग। इन द कोर्स ऑफ टाइम न्यू स्टोन एज कल्चर गिव राइज टू अर्ली सिविलाइजेशन। जैसे काल बदलते गए वैसे अर्ली सिविलाइजेशन का बढ़ने लगा। इंक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यू टू वेरियस स्किल द यूज ऑफ द व्हील फ्लरिश्ड, ट्रेड यूज ऑफ वेल डेवलप्ड स्क्रिप्ट एक्सेट्रा वेर द मेजर फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ द अर्ली सिविलाइजेशन। देखो क्या बढ़ने लगा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उनको प्रोडक्शन बढ़ने लगा। इन कैसे, क्या प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जो भी उनको बनाते थे, उनका स्किल हो, जो भी स्किल से हो उन लोग बनाते थे, वो प्रोडक्शन बनने लगा। क्यों बनने लगा उनका प्रोडक्शन, द यूज ऑफ द व्हील, वो व्हील का यूज करते थे। फ्लरिश ट्रेड यानी उनका व्यापार बढ़ने लगा। यूज ऑफ वेल डेवलप स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट यानी कि लिपि, वो उनकी डेवलप होने लगी। और इसके कौन रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन। दिस सिविलाइजेशन केम इन टू एग्जिस्टेंस इन रफली द सेम पीरियड दैट इज अराउंड 3000 बिफोर क्राइस्ट इन योर फोर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये कब हुआ, 3000 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि यीशु क्रिस्ट के जन्म से भी पहला, यीशु क्रिस्ट के जन्म से भी पहला 3000 बिफोर क्राइस्ट ये हुआ था। फोर रीजन कौन से थे, देर आर कौन से चार कल्चर थे, देर आर मेसोपोटेमिया,
इजिप्ट, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड चाइना, ये थे कौन से चार, मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड चाइना। द सिविलाइजेशन इन दिस फोर रीजन्स डेवलप इन रिवर वैली, हेंस दे आर नोन एज रिवर एंड सिविलाइजेशंस। और ये चार रीजन्स है वो डेवलप इन रिवर वैलीज, और इनके जो नदी के खोरे में को वो बनने लगे, इसलिए उनको नाम दिया रिवराइन सिविलाइजेशंस। जैसे कि मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया क्या, इधर भी दो रिवर है, एक टाइग्रेस एंड यूफ्रेटिस, ये दो रिवर है। बाद में इजिप्ट किधर, एक रिवर है उसका नाम है नाइल। चाइना में है रिवर हंगही यांटेजी, ये दो रिवर है। और हरप्पा सिविलाइजेशन की तरह सिंधु, ये दो रिवर है, इसके वजह से इनको नाम दिया है रिवर एंड सिविलाइजेशन। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे पॉइंट थ्री, एंशियंट रिवर एंड सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना एंड हरप्पा, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। छोटू रन, स्टे होम स्टे सेफ।